फिसलन है कर फिसलन। पाँव फिसला तो आप नीचे खाई तक पहुंच जाओगे। सुबह का मौसम हो और हल्की हल्की ठंड हो और साथ में गर्मा गर्म चाय तो मजा ही कुछ और है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज मैं जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है। और वो मंदिर कैसे बना वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जब रावण तपस्या करके भगवान शिव का जो शिवलिंग था लंका लेके जा रहा था तो रास्ते में उसने वो शिवलिंग वहां रख दिया उसी जगह पे और वहां से वो उसको फिर उठा नहीं पाया तो वहां पे फिर भोलेनाथ मंदिर का निर्माण हो गया। तो चलते हैं गाइस, जल्दी से मैं रेडी हो जाता हूँ और फिर बाकी की बातें करेंगे हम राइड के दौरान में। सो भाई बाइक कर दी साफ, इंजन भी स्टार्ट कर दिया, इंजन हो गया गर्म और रेडी हो गए हम निकलने के लिए। खैरा में भी काफी बड़ी मार्केट हो गई है, नीचे से लेके ऊपर तो पूरी दुकानें हैं, काफी ज्यादा डेवलप हो गया। ये हाईवे के बनने के बाद कुछ ज्यादा ही डेवलप हुआ खैरा भी। आसपास के नज़ारे देखो आप, नज़ारे अति सुंदर। निकल जाएंगे। ये टाइल का काम कितने सुंदर तरीके से किया है। यहीं से चलते हैं पंचरुखी वाले रोड से ना, तेल डलवाना है, तेल नहीं है ज्यादा बगाएंगे नहीं, एक ही डंडा बचा है, पता चला कि धक्का मारना पड़े सुबह सुबह। लो जी आ गया पेट्रोल पंप। भाई फुल कर दो। हाँ जी डलवा लिया, हवा भी चेक करवा ली, अभी कोई टेंशन नहीं है, फ्री माइंड से चलेंगे हम। सो भाई पहुंच चुके हैं हम मंदिर में, मंदिर प्रेमिसेस के अंदर हैं अभी हम और नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। चलो भाई चलते हैं अंदर, माथा टेक लेते हैं। बाहर बैठने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बैठ सकते हैं आके शांति से।
मंदिर के दर्शन कर लिए भोलेनाथ जी के, और अभी जा रहे हैं हम यहाँ पे बिलिंग में एक वाटरफॉल है वहाँ पे जाएंगे। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं, एक एंड पॉइंट है जहाँ रोड एंड हो जाता है, एक उसके आगे है ट्रैक थोड़ा सा, वो करके जाएंगे हम आगे। कुछ खाना पीना, भूख लगी, ब्रेकफास्ट तो मैंने किया नहीं है, आगे कुछ दिख रहा है मुझे तो वहीं चल के कुछ खाएंगे पियेंगे। छोटी सी दुकान है फूड टू फूडीज़, तो हम फूडीज़ भी नहीं है बट भूख लग गई है तो खाना तो पड़ेगा ही ना। यहाँ से पहुँच जाएंगे वाटरफॉल तक का ना रास्ता थोड़ा सा टफ है, गाइड की आवश्यकता होती है, पर हम लोकल जाएँ तो हमारे लिए शायद उतना टफ ना हो। बीच में हमें सू उतार के पानी के बीच में से जाना पड़ेगा और बड़ी बड़ी रॉक्स हैं वो चढ़नी पड़ेंगी, हिडन वाटरफॉल है। कोई नहीं, देखते हैं चल के आगे, पब्लिक जा तो रही उनके पीछे पीछे हो लेंगे हम भी। ज़मीन पे बैठ के जंगल के बीच में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, चाय अच्छी बनाई है इन्होंने, एक तो हमने निपटा दी थी और दूसरी आ गई है, बड़े टेस्टी बनाते हैं सिड्डू, एक एक और खा लेते हैं फिर चलेंगे भाई, चढ़ाई चढ़नी है वाटरफॉल तक की, अच्छे बनाए हैं। बस चलते हैं गाइस, अभी ब्रेकफास्ट हो गया अपना, ब्रेकफास्ट नहीं बोल सकते हैं, ब्रंच ही बोल सकते हैं, टाइम अभी हो रखा है 12:03 और अभी हम जा रहे हैं आगे वाटरफॉल की तरफ, ट्रैक करने वाले हैं धूप में, पर धूप इतनी आपको फील नहीं होगी बिकॉज यहाँ का जो वेदर है बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है। सो लेट्स गो। ये है फूड टू फूडीज पॉइंट और यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, बहुत ही डिलीशियस था। अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ और बनगरू जो विलेज है वहाँ से इसका ट्रैक स्टार्ट होता है वाटरफॉल तक का, और जैसे हमने ट्रैक स्टार्ट किया ना नज़ारे बहुत सुंदर हैं, और यहाँ से देखो आप, यहाँ देखो ये ऊपर से एक छोटा सा वाटरफॉल ये बहुत हाइट पे वो नीचे आ रहा पानी, तो नज़ारों की जो शुरुआत है वो यहीं से हो गई है। आगे चलते हैं, इंजॉय करते हैं। भाई यहाँ से तो रास्ता ही है ही नहीं, और यहाँ से अगर नीचे पाँव फिसला तो आप नीचे खाई तक पहुँच जाओगे नीचे जाके। ऊपर से चल के हम नीचे पहुँच चुके हैं और पानी की, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं पानी की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, ऐसे लग रहा है डर सा लग रहा है आवाज सुन के पानी के। चलो वाटरफॉल हिडन वाटरफॉल है, तो ऐसा तो डायरेक्ट रास्ता आपको पता नहीं चलेगा, तो पूछ लेते हैं बिकॉज यहाँ दो रास्ते बंट रहे हैं, तो पूछ लेना ही बेहतर है कि कौन सा रास्ता वाटरफॉल की तरफ जाता है। अभी समझ आने लगा है मुझे कि लोग जो थे ना बार बार क्यों पूछ रहे थे कि गाइड ले लो गाइड ले लो, बिकॉज ये हिडन वाटरफॉल है, थोड़ी दिक्कत तो होगी आपको पता करने के लिए ना रास्ता। पत्थरों को चढ़ना पड़ रहा है, रास्ता है थोड़ा टफ, एक तो चढ़ लिया और सामने एक और है, अभी इसको चढ़ना है। तो ये मैंने अपने आप को आपको दिखाया, मैंने अपने पूरे जो है पैंट फोल्ड कर लिए, बट जो टूरिस्ट ऊपर से जाके आ रहे हैं वाटरफॉल वो पूरे भीगे हुए हैं कमर तक, हमें भीगने वाले हैं। और ये देखो भाई खतरनाक, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा भाई साहब, आ जा
बड़ा गहरा पानी है भाई। तो भाई मैंने ये सारे अपने फोन और कैमरा की बैटरी इसमें बांध ली और इसको जैकेट की बाजू में, और उसके बाद अभी आगे जा रहे हैं। आगे का लेवल और डिफिकल्ट होता जा रहा है। पाँव फिसलन है, इधर फिसलन। भाई अब मैं तो आ गया ऊपर, नेफ्यू को खींचता हूँ। गए भाई, थोड़ी सी चढ़ाई है, ट्रिकी सी है, पानी के बीचों बीच आना पड़ता है और पानी का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा तेज है। हाँ तो ये देखो नज़ारे वाटरफॉल के। मजा आ गया भाई, मजा। आगे चलेंगे वाटरफॉल के थोड़ा और करीब जाते हैं। फिसलन बहुत ज्यादा है। घूम लिए, अब जा रहे हैं वापिस, चलते हैं। मजा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा, बहुत वर्थ इट प्लेस है। पूरी तरह भीगे ऊपर से आते आते, अब थोड़ी देर बैठ के पाँव जो है बिल्कुल सुन्न हो गए, थोड़ा सा पाँव फिसल गया मेरा, ये थोड़ा सा टकराया इधर, अभी तो स्वेलिंग है थोड़ी सी, शायद रात को पेन हो। और अभी थोड़ी देर बैठेंगे, चाय पियेंगे, कपड़े भीगे पूरे, तो ये थोड़ा सा पानी इसका निकल जाएगा थोड़ी देर बैठने पर। मज़ा आ गया, बहुत ही बेस्ट जगह है, बेहतर जगह है, सबको आना चाहिए। आने के लिए क्या कि जब आप आओ तो अभी तो सर्दियों में आगे पानी बहुत ठंडा रहेगा, पर फिर ठीक है, ठंड बढ़ने के साथ पानी ठंडा हो जाएगा। बट अगर आपको आना है तो आपको हाफ पैंट या कोई शॉर्ट्स वगैरह में आना है, ताकि इजीली आप ऊपर जा सको और वापस आ सको। और गाइड के लिए आप जिसको गाइड का, तो नहीं दो तीन बंदे ग्रुप में आ रहे हैं तो गाइड की ज़रूरत नहीं है, इधर कोई
ऐसा नहीं, बीच में जाके है थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है कि मिले ना हमें वाटरफॉल, तो गाइड के बिना भी जा सकते हैं। मस्त है जगह, मज़ा आ गया भाई। एक तो यही वाटरफॉल बन रहा है नीचे तक है, ये देखो। आ गई भाई अपनी चाय, चाय पियेंगे वापिस चलेंगे। आज तीसरी बार होगी चाय अभी नहीं पियूंगा शाम तक। अभी तो पीना बनता है, पहाड़ों पे मैगी और चाय नहीं पी, पहाड़ों पे आके तो फिर क्या किया आपने, है ना। अब हम वापिस जा रहे हैं बाइक की तरफ, निकलेंगे घर के लिए। मज़ा आ गया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कपड़े गिले हैं, पाँव में हल्का सा पेन होने लगा, अभी ऊपर थोड़ा सा पाँव स्लिप हुआ ना, वो टकरा गया, पेन हो रहा है। सो गाइस, सो पहुँच गए हम अपनी जहाँ पे हमने बाइक पार्क की थी। हाँ, टाइम हो गया 1:49 दोपहर के। मज़ा आया यार इस ट्रिप पे आज के। तो आई होप आप सभी को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमेशा की तरह मैं वही बोलूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और मैं मिलूँगा आप सभी से एक और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, राइड सेफ एंड स्टे सेफ।